हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने वाली हूँ ना, वो बच्चों के रिएक्शंस थे लास्ट डे पे, और हम उनको बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे। एंड वैसे तो हम कैंपस में कभी भी फ़ोन लेके नहीं घूमते थे, सिर्फ छुट्टी के टाइम, लेकिन उस दिन हम लोग क्लास में जैसे मिलने गए थे बच्चों से, क्लास लेने रिएक्शंस है। एंड ये वीडियो है एक मंथ पुराना ऑलमोस्ट, हाँ क्योंकि एक मंथ होने लग गया है। पहले मैं सोचता कि इसको डिलीट कर देती हूँ, बट देन आई थॉट कि छोड़ो यार, अपने लिए थोड़ा मेमोरीज सी हो जाएंगी, तो लेट्स अपलोड दीज वीडियोज। सो कीप वॉचिंग एंड अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय। टूटू वाले बहुत पैनिक में हैं आज लास्ट दिन और बाकी सारे लोग बैठे हैं बिल्कुल आराम से। वेल लिपावासी धन्यवाद। और यहाँ पे इतनी सारी ग्लू स्टिक खत्म हो चुकी है लास्ट में। हाँ जी, अच्छा ये बलराज सर वाला मेरे लिए गिफ्ट, देखो ओह गिफ्ट भी गिर गया। तो ये क्या हो रहा था मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम सुबह गए ना, तो हमने देखा कि जो टूटू कॉलेज वाली लड़कियाँ हैं वो बहुत सारा काम कर रही है, साथ में हमारे साथ वाले कुछ बॉयज़ थे जो हमसे पहले आ गए थे, वो भी उनकी हेल्प कर रहे थे। सो हम ऐसे थे यार, तीन चार दिनों से तो बिल्कुल चिल बैठे थे ये लोग, क्योंकि इनका काम हो चुका था। बट इस दिन इनकी ना स्क्रैप बुक चेक होने लगी थी। तिल मैम पूरा एक महीना इस कैंची को उठाते रहे, हैट्स ऑफ टू यू। यार एक कपड़े का वही बोल रही, छोटी कैंची से ना इजी होता है कटिंग। हाँ एक ही बारी में ऐसे फटाफट से। हाँ अब भी सारे काम कर रहे अपना अपना। हम ऑफ इंडिया, ये देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉलिंग। सुनो सुनो, तो जब तक सभी लोग काम कर रहे थे, कुछ अपना कर रहे थे, कुछ टूटू वालों का काम कर रहे थे, तब तक ना हमने सोचा, मैंने और बलराज सर ने, कि हम ना सफाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे बहुत कूड़ा कचरा मतलब कागज़ वगैरह छोटे छोटे हो गए थे, तो यार ऐसे छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता है, तो जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। बलू सर अपना कूड़ा साथ उठाते हुए कैसा लग रहा है? बलू सर सर अभी मत बोलो। हाँ बलू सर, तो आप कूड़ा उठा रहे, आपको कैसा एहसास हो रहा है? हाँ जाते जाते सफाई करनी तो बनती है। हाँ स्कूल में, सही बात है सही बात है। तो बाकी सभी बिजी है, मैं और बल्लू सर थोड़ा काम करें, मैंने तो थोड़ा सा ही किया है, मैंने सोचा इनको थोड़ा अप्रिशिएट किया जाए। हाँ जी, तो हम जो है कुछ इस तरीके से नीचे से सारा कूड़ा उठा रहे, क्योंकि अगर झाड़ू देंगे तो धूल हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे ना इधर रो रहे हैं, काश हमारे लिए भी कोई रोता, लेकिन खैर हमें क्या, हम तो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं और वो रोते तो बिल्कुल नहीं है, वो रुला देंगे ज़रूर। तो हमें बुलाया था, मतलब मैंने प्लस उनके एक ही दिन क्लास ली थी, तो वो लोग ना बुला रहे थे कि क्लास में आ जाओ मैम। मनोज सर शूट कर सकते हैं क्लास में? नहीं मैं ऐसे बोल रही, कर सकते कि नहीं कर सकते? वैसे आराम से है ना, थोड़ा। अच्छा मैम डीप पढ़ाते, बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा कभी हम पढ़ाते हैं डांस मेरा लोकेशन कौन सा है? आराम से पढ़ लेना पूरा। जब दूसरी बारी पाएगी ना, नाउन प्रोनाउन और कैप्टन की बात, आगे मैं
वाला गीत हो नहीं लगनी चाहिए लग गई तो भी कोई और आएगा बोल अब बोलो सॉरी लाइटनिंग प्रॉपर नहीं पड़ रही है हाँ कोई बात नहीं मैं अगस्त में फिर आऊंगी तो अभी आज हमारी टिप्पी फाइनली खत्म हो चुकी है 1 month वाली और अब हम चल पड़े हैं सारे ISBT की तरफ आज मैं भी नीचे से जा रही हूँ हाँ जी हाँ बहुत बुरा वक्त शुरू ये गौरव सर का डायलॉग और अब हम लोग मिलेंगे यूनिवर्सिटी में तो पता नहीं उतना हो नहीं पाएगा फिर बहुत सारे लोग और भी मिल जाते हैं ना तो अभी हम हाफ डे लेके क्योंकि कल इलेक्शंस है तो सब इलेक्शंस के लिए घर जा रहे हैं तो इसलिए हमने हाफ डे ले लिया है चली वालों ने भी ले लिया है टूटू वाले शायद कुछ लोग जा रहे हैं कुछ नहीं जा रहे दीपांशु यहीं है हम पैदल पैदल आ गए ISBT अब ये सारे जा रहे हैं घर कोई सोलन जा रहा है कोई बिलासपुर जा रहा है कोई हमीरपुर जा रहा है कोई ठियोग जा रहे हैं हाँ जी मैं फ़िलहाल तो समर हिल जा रही हूँ बाकी पता नहीं वालू सर मैं क्रॉसिंग में बस का वेट कर रही हूँ और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना क्या बताऊँगा इस सूर्य देवता को बोलना था कि प्लीज़ थोड़ा रहम करो अभी बस पता नहीं कब आएगा यहाँ पे ना छाया भी नहीं है सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर